नमस्कार, आप देख रहे हैं GGS News 24। अंबेडकर नगर से बड़ी खबर, गौशाला के कर्मचारियों को रोका गया वेतन, ग्राम प्रधान के पति ने लगाया आरोप। अभी हम यहाँ जो कुछ भी बनवाए हैं उसका पेमेंट एक भी नहीं हुआ है। बताइए हम कैसे यहाँ कार्य करवाएं? किसके द्वारा पेमेंट होना? CDO साहब के द्वारा पेमेंट यहाँ का रोका गया। CDO साहब क्या कहते हैं? CDO साहब कहते हैं यहाँ कुछ बना ही नहीं है। अच्छा, पेमेंट के लिए क्या कहते हैं? कहते हैं कि यहाँ कुछ बना नहीं है, इसलिए पेमेंट जांच हुई, इसके बाद भी पेमेंट यहाँ का नहीं हो पाया। और 14 फरवरी से 10 मजदूर लगातार हम लगाए हैं, इनका पेमेंट हम कहाँ से दें? सरकार सोच नहीं रही है कि ये लोग भूखे मर जाएंगे कि पेमेंट पाएंगे। तो सरकार आपके हित में अच्छा कर रही है या बुरा? अब हम कैसे माने कि हमारे हित में अच्छा कर रही है? मैं मजदूरी कर रहा हूँ, करवा रहा हूँ, मजदूरी नहीं दे रही है, पेमेंट नहीं दे रही है, कैसे हम मान लें कि अच्छा कर रही है? तो योगी सरकार धन तो दे रही है कि नहीं दे रही है? अब धन दे रही, लेकिन यहाँ के अधिकारी हमारे तक नहीं पहुँचा रहे हैं, तो हम कैसे मान लें कि योगी सरकार अच्छा काम कर रही है कि नहीं कर रही है? नहीं, योगी सरकार तो अच्छा काम कर रही है, लेकिन अब यहाँ के अधिकारी जैसे माने CDO साहब हमारा पेमेंट रोक दिए। अगर हमको पेमेंट मिला होता, हमारे मजदूरों को पैसा मिला होता, तो इससे अच्छा हम काम करते। जी बिल्कुल सर, और कुछ बोलना है? अब क्या बोलना, सारी बात तो हमने बोल दिया कि हमारा पेमेंट दिलवाने की कृपा की जाए। जी बिल्कुल, अगर हम काम किए हैं तो। जी और कुछ? जी हाँ, सर हम लोग 14 फरवरी से लगे हैं, इसमें आज तक का एक पैसे नहीं मिला है, ना तो प्रधान का भुगतान मिला। नाम बताते जाइए अपना नाम। ब्रजेश, बोलिए बोलिए। ब्रजेश जो है, हम लोग इतना 14 फरवरी से लगे हुए हैं, एक पैसे नहीं मिला है आज तक। खाली आश्वासन सब देते हैं बस। आश्वासन कौन देते हैं? ये ब्लॉक वाले। अरे आपका अपना न्यूज चैनल GGS News 24, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।